हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक छोटी सी चीज़ सीखेंगे। हालांकि छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग बार बार पूछते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना दें। ये है बैकअप रिस्टोर, कि टैली में कैसे हम कंपनी का बैकअप बना सकते हैं और इसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी है न्यू एरा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। खैर, इसमें अभी ज़्यादा डेटा नहीं है, तो हम लोग दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। महिमा, ठीक है ना, महिमा एंड कंपनी। इस पे हम लोग देखते हैं, काफ़ी इसमें डेटा है। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसे हमें बैकअप बनाना है। इसको बैकअप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मिनिमाइज कर लेंगे। अच्छा, मिनिमाइज करने के लिए एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम लोग विंडो के साथ। विंडो की बटन होती है आपके पास, विंडो के साथ डी दबाइए, मिनिमाइज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ, या फिर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर। इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ महिमा बैकअप। अब मैंने इस फोल्डर को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, इसके एड्रेस को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। एड्रेस को कॉपी करने के लिए फिर से देखिए मैं कैसे एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ लिखा है एड्रेस बार, एड्रेस बार पे हम राइट, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करेंगे, एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्लोज कर लेते हैं। अब टैली पे जाएंगे, एल्ट के साथ F3 दबाएंगे, यानी कंपनी इन्फो पे जाएंगे। कंपनी इन्फो के पे जाने के बाद यहाँ पे होगा एक बैकअप, बैकअप बटन होगा, इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ सोर्स होता है। सोर्स मतलब कहाँ से वो कंपनी कॉपी होगी। तो ठीक है, कंपनी तो यहाँ से होगी। ठीक, कंपनी कहाँ पे आपकी पड़ी हुई है, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली ERP 9 के अंदर, डेटा में, कहाँ पे डेस्टिनेशन है, कहाँ पेस्ट होना है। तो कंट्रोल एल्ट वी, यहाँ पे हमने एड्रेस कर दिया। तो यूज़र दीपा डेस्कटॉप महिमा बैकअप नाम के फोल्डर में होगी। से पूछ रहा है कौन सी कंपनी करनी है, तो हमने कह दिया महिमा। ओके, अगर आप एक साथ कई कंपनियाँ, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो एक साथ बहुत सारी कंपनियाँ आप बैकअप ले सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कंपनी लेनी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। सिर्फ एक कंपनी हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सीधे कर देंगे आप एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद सीधे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर दिया। आप जाके देखिए इस फोल्डर के अंदर बैकअप आया कि नहीं आया। जी हाँ, देख रहे हैं आप कि इसके अंदर बैकअप आ गई है। इस फाइल का नाम भी TBK है, टी फॉर टैली, बी के मतलब बैकअप। तो ये आपका एक बैकअप आ गया, 140 KB की बैकअप बन गया है। अब इस बैकअप को हम चाहें तो इसको कहीं भी, इसको कट करके, इसको मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ से उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। चाहे अपने पेन ड्राइव में रख लें, चाहे उसे किसी और ड्राइव में ले जाके हम सेव कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने क्या किया, मैंने इसे सॉफ्टवेयर फोल्डर, सॉरी ऑफिस फोल्डर में मैं ले गया, और यहाँ मैंने GK के फोल्डर के अंदर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, ये आपका हो गया महिमा बैकअप। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो बैकअप बन गया। अब क्या करते हैं, उसको रिस्टोर करने से पहले मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी को डिलीट कर दूँ। इस कंपनी को डिलीट करने के लिए Alt F3, Alt, इस कंपनी के अल्ट्रेशन में जाएंगे। कंपनी के अल्ट्रेशन में इस समय हम लोग हैं, कंपनी के अल्ट्रेशन में। अब यहाँ पे हम लोग Alt D दबाएंगे। जैसे Alt के साथ D दबाते हैं, यहाँ पूछेगा डिलीट, यस कर देंगे, एंटर। आर यू श्योर, एक बार और कंफर्मेशन पूछेगा, यस कंपनी हमारी डिलीट होगी। एक बार जाते हैं, देखते हैं सिलेक्ट कंपनी, देखते हैं महिमा एंड कंपनी है कि नहीं है। नहीं है, महिमा एंड कंपनी डिलीट हो चुकी है यहाँ से। अब उसको हमें से रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने के लिए क्या करते हैं, अगेन रिस्टोर पे जाएंगे। अगर हमें वापस इसके अंदर ले आना है, तो रिस्टोर, रिस्टोर जैसे ही करेंगे, यहाँ कोई बैकअप नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस बार हमें ले आना उल्टा, इस बार हमारा डेस्टिनेशन है सी के अंदर, यूजर पब्लिक टैली ERP 9 डेटा में लेके आना है। कहाँ से लेके आना है ये हमें बताना पड़ेगा। तो हमें पता है हमने बैकअप कहाँ रखा हुआ है, तो हम लोग जाएंगे ऑफिस GK, और यहाँ महिमा बैकअप इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ पे कंट्रोल Alt V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, महिमा एंड कंपनी यहाँ पे आगे
सेलेक्ट एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्ट करें, अब देखिए कंपनी इसमें रिस्टोर हो गई होगी, महिमा एंड कंपनी आ गई। तो देख, तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको मैंने बैकअप करना और रिस्टोर करना बताया है टैली में। और अगर ये वीडियो ठीक लगा है तो फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं। कभी भी आपसे कोई क्वेरी करे आप तुरंत इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। चैनल को भले सब्सक्राइब ना करिए, अगर पसंद आया तो उसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।